हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं कि आप अपने आधार कार्ड में अपनी फ़ोटो को कैसे चेंज कर सकते हैं या कैसे अपडेट करा सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गन पॉइंट पे नॉलेज। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आधार कार्ड लिखना है। आधार कार्ड लिखने के बाद आपके पास जो पहला लिंक आएगा उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। फिर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। तो नीचे आने के बाद जो गेट आधार का कॉलम में आपको बुक अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको अपनी सिटी या लोकेशन को सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। आपको सिलेक्ट के ऊपर एक बार क्लिक करना है। तो यहाँ से गाइज़ आपको अपनी सिटी या जो भी आपकी लोकेशन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइज़ अगर आपको अपनी सिटी या लोकेशन नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, उसके जो नीचे ऑप्शन दे रखा है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपको इंडियन रेजिडेंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर नीचे मोबाइल नंबर जो दे रखा है उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और फिर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। तो यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही डालना है। तो आप यहाँ पर वो मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा जो अभी आपके पास करंट में अवेलेबल हो। और फिर चौथे नंबर पे आपको अपना कैप्चा फिलअप कर लेना है, जो ऊपर कैप्चा दे रखा है वही नीचे फिलअप कर लेना है। और फिर गेट ओटीपी के ऊपर एक बार क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करोगे तो जो अभी आपने मोबाइल नंबर दिया है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। तो आपको उस ओटीपी को यहाँ पर डाल लेना है और सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो गाइस कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। तो आपको अपडेट आधार के ऊपर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरीके की विंडो खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक तो डॉक्यूमेंट बेस अपडेट, दूसरा आपको गार्जियन और रिलेशनशिप बेस अपडेट। तो गाइस यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट बेस अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। और दूसरा जो आपको नाम लिखना है, जो आपका आधार कार्ड में नाम है सेम वही आधार कार्ड वाला नाम लिखना है। और यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। और यहाँ पर इंडियन रेजिडेंट के ऊपर आपको टिक कर देना है और फिर बायोमेट्रिक्स के ऊपर टिक कर देना है। बायोमेट्रिक्स के ऊपर आपको फ़ोटो और फिंगरप्रिंट चेंज कराने का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसलिए आपको बायोमेट्रिक्स पर टिक करना है। तो आप जैसे ही बायोमेट्रिक्स पर टिक करेंगे एक छोटा सा ऑप्शन खुल के आएगा जिसमें लिखा होगा माय एज इज़ लेस देन 18। अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो वहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगर आप बड़े हैं तो कोई बात नहीं, उसमें टिक नहीं करना है आपको, बस आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे एक पॉपअप खुल के आएगा। तो इसमें बोला जा रहा है कि बाद में ये आधार नंबर चेंज नहीं होगा, तो आपको इधर सिर्फ ओके कर देना है। तो जैसे ही आप ओके करोगे नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे तो यहाँ पे आपको आपकी डिटेल दिखाई देगी, जो आधार कार्ड में आपका नाम है वो आ जाएगा। और जो अपडेट बायोमेट्रिक्स के ऊपर आपको यस दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये दूसरे पेज में आपसे डिक्लेरेशन मांगी जा रही है, आपको डिक्लेरेशन के ऊपर टिक कर देना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइस हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है। जो हम एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे थे वो सक्सेसफुली एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डाउनलोड रिसिप्ट के ऊपर एक बार क्लिक करना है और आपको अपनी रिसिप्ट डाउनलोड कर लेनी है। और फिर आपको बुक अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करके अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो आइए कैसे अपॉइंटमेंट बुक करते हैं वो देखते हैं। तो बुक अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है और गेट डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप गेट डिटेल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके जितने भी आसपास आधार कार्ड सेंटर हैं आपके एरिया के वो सारे आ जाएंगे। तो जो भी सबसे पास पड़ता है आप उसमें बुक अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको दो तरीके की डेट देखने को मिलेगी, एक तो रेड में होगी और एक ग्रीन में होगी। जो रेड में होगी आप उसमें अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले से ही पूरा स्लॉट फुल है। तो आपको ग्रीन वाले में सेलेक्ट करना होगा। तो गाइस डेट सेट करने के बाद आपको टाइम सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको अपने हिसाब से कोई भी टाइम सेट कर लेना है। जो रेड में है वो टाइम आप नहीं सेट कर पाएंगे, जो ग्रीन में है जो दे रखे हैं वही आप टाइम सेट कर पाएंगे। तो उसमें सेलेक्ट करके अपने हिसाब से सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइस डेट और टाइम सेट करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, 100 रुपये फ़ीस है। तो गाइज़ ये फ़ीस आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो और सेंटर पे जाके भी पे कर सकते हो। तो गाइज़ मेरे हिसाब से सेंटर पे जाके ही पे करना। तो उसके लिए आपको पे एट सेंटर पे क्लिक करना है और कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइज़ यहाँ पे आपको आधार अपडेट फॉर्म मिल जाएगा, तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट करवा लेना है। तो जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है उस दिन आपको ये लेके जाना है और एक अपना जो भी आपका आधार कार्ड है उसको भी लेके जाना है। तो दोनों आप लेके जाओगे और वहाँ पर दिखाओगे तो आपको जो फ़ोटो है चेंज कर दी जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा।